यूके त्रिपलसी की ओर से इस वक्त की बड़ी खबर, यूके त्रिपलसी के सचिव संतोष बड़ोनी पद से हटाए गए, सुरेंद्र सिंह रावत को मिली जिम्मेदारी। तो जिस प्रकार से यूके त्रिपलसी पेपर लीक के मामले को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी, ऐसे में अब जो है यूके त्रिपलसी के सचिव संतोष बड़ोनी को उनके पद से हटा दिया गया है और अब जो है उनकी जगह पर सुरेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूके त्रिपलसी के सचिव संतोष बड़ोनी से पद हटा दिए गए हैं। अब सुरेंद्र सिंह रावत यूके त्रिपलसी के नए सचिव बनाए गए हैं। यूके त्रिपलसी पेपर लीक घटना सामने आने और लगातार हो रही गिरफ्तारियों के कारण लगातार सवाल उठ रहे थे। वहीं आयोग के चेयरमैन एस राजू के इस्तीफे के बाद से दबाव और बढ़ गया था। बता दें कि अब तक पेपर लीक मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तारियाँ उत्तराखंड सचिवालय से हुई हैं। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के पेपर लीक मामले को लेकर के विवादों में आने के बाद जहां एक तरफ एसटीएफ एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही थी, तो दूसरी तरफ अब सरकार ने भी अधिसूचना आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी पर आखिरकार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी को उनके पद से अवमुक्त कर दिया गया है। शासन की तरफ से इस पर सचिव शैलेश बगोली ने उन्हें आदेश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ग्रेजुएशन स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से आयोग विवादों में आ गया था। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार हो रही बयानबाजी की वजह से आहत होकर नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उन्होंने कुछ सफेदपोश लोगों का भी जिक्र किया था जो इस धांधली में शामिल हैं। एस राजू ने कहा था कि वो जानते हैं कि इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का भी हाथ है, लेकिन अभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा था कि यदि पुलिस जांच ठीक से होती है तो उन राजनीतिक लोगों का भी नाम सामने आएंगे। एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक जारी, तो इस मामले में एसटीएफ पेपर लीक के आरोपी को गिरफ्तार करने जुटी हुई है। इस मामले में एसटीएफ 17 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार आयोग के सचिव को लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही थी। ऐसे में अब शासन की तरफ से इस मामले पर आदेश जारी करते हुए सचिव को उनके पद से अवमुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह सचिव पद की जिम्मेदारी अब सुरेंद्र सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड शासन में संयुक्त सचिव के पद पर हैं, उन्हें दी गई है। आज हुई थी यूके त्रिपलसी पेपर लीक में 17वीं गिरफ्तारी। तो इससे पहले आज उत्तराखंड अधिसूचना आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ा था। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकल माफिया गैंग की अहम कड़ी को गिरफ्तार किया था। सरकारी नौकरियों का सौदागर कहे जाने वाले मास्टरमाइंड के मुख्य साथी तनुज शर्मा को लंबी पूछताछ और पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। यूके त्रिपलसी पेपर लीक में ये 17वीं गिरफ्तारी थी। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी तनु शर्मा देहरादून के रायपुर चौक का रहने वाला है और वर्तमान में उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज नेटवार्ड में शिक्षक के रूप में काम करता है। तनु शर्मा से की गई पूछताछ एवं विवेचना के दौरान मिले अहम साक्ष्यों के आधार पर देर रात्रि तनुज शर्मा गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ को ऐसे दर्जनों अन्य प्रछात्री के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है जो पेपर लीक से पास हुए हैं और इस कड़ी से जुड़े हुए थे। फिजिकल टीचर तनुज शर्मा की पूछताछ में इस परीक्षा लीक मामले का मुख्य सरगना एवं कुछ अन्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिनके संबंध में साक्ष्य संकलन एवं विवेचना जारी है। अभियुक्त द्वारा करीब 20 अभ्यर्थियों को अपने घर में परीक्षा से पहले रात को प्रश्न पत्र और उसके उत्तर याद कराए गए, साथ ही कुछ छात्रों को देहरादून से अन्यत्र स्थानों पर ले जाकर भी पेपर लीक किया गया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यूके त्रिपलसी में हर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं और इस प्रकार से भारी मात्रा में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। और एक बड़ी अपडेट इस वक्त की, यूके त्रिपलसी के सचिव जो हैं संतोष बड़ोनी आखिरकार हटाए गए हैं और अब जो है सुरेंद्र सिंह